पास खुदा की कसम मर्सिडीज गाड़ी है वहाँ खड़ी है, मेरे पास पेट्रोल डलवाने के मेरे उस पर डस्ट आ गई। लोग कहते यार 2 करोड़ की गाड़ी है तेरा सत्यानाश हो गया। मैं कहा यार मैं आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर की पोजीशन क्या है। कश्मीर का यही सुना है कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया ने जो है ना उनकी जो फोर्सेज वगैरह हैं उन्होंने मतलब पूरा कब्जा वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए हालात कोई मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। किसी बताऊँ आपको हालात बहुत मुश्किल किए हुए, आप तो दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि जितने को हालात वहाँ पर मुश्किल है पूरे पाकिस्तान के मुश्किल होने चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, इतने गवर्नमेंट तो मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने तो अपनी इतनी एज में ऐसी हुकूमत नहीं देखी, देखी नहीं, ऐसे क्राइसिस नहीं देखे जो लोगों को मायूस कर दें। लोग परेशान हैं, जॉबलेस हो गए हैं, मसाइलों में आ गए हैं। प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं इस टाइम, मैं आपको बताऊँगा आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हमें जो न्यूज़ में देखने को मिलता है उसमें इस तरह कोई सीन नहीं होता, वैसे शायद होता होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह आज एक और नई वीडियो पर एक्शन देने जा रहे हैं जो कि है डेली स्पेक चैनल का। वीडियो का टॉपिक है कश्मीर की स्मार्ट सिटी बन रहा है श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रहा है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं कश्मीर में। जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रहा है। आइए इस पर देखते पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है गाइस। डेवलपमेंट की इंतहा कर दी गई, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर, दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा हमारे पास क्या है, हमारे कश्मीर के अंदर हमने कौन सी ऐसी डेवलपमेंट की है जो कि दुनिया को हम बता सके कि हमने अपने कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट की है, क्या किया हमने, तो आप मुझे बताएं कि मैं फिर बताऊं दुनिया को। नाम आपका? मेरा नाम तो नासिर गुलरेज है जी। के मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए मुल्क के हालात आपको कैसे नजर आते हैं, किस तरफ जा रहा मुल्क? अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट सारा कुछ देख रही है, जान रही है, इसके बावजूद हमारे हालात मुल्की जो है ना, सफेद पोश तो मर रहा है, बिजली के बिल हाईएस्ट, पेट्रोल हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट, हर चीज की इंतहा कर दी। तो आप मुझे बताएं कि ये गवर्नमेंट तो मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने तो अपनी इतनी एज में ऐसी हुकूमत नहीं देखी, देखी नहीं, ऐसे क्राइसिस नहीं देखे जो लोगों को मायूस कर दें। लोग परेशान हैं, जॉबलेस हो गए हैं, मसाइलों में आ गए हैं, सिलसिलों में। वो जो कारोबारी हालात है वो इसलिए रो रहे हैं, वो कहते हैं हमारी एलसीएं नहीं खुली, हमारे माल बोर्ड पे मिले, हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक अजीब सी मसले हैं, जिनके पास पहले सामान पड़ा तो उसको पता कि बाहर तो आना ही कोई नहीं, उसकी उन्होंने रेट डबल ट्रिपल फोर्थ कर दिए। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इतनी महंगाई, इसका सब्स्टिट्यूट जो है ना, हुकूमत को खुद प्लान करना पड़ेगा आवाम को अकोमोडेट करने के लिए। बिल्कुल सही हो गया सर। जिस तरह की सिचुएशन आप मुल्क के अंदर देख रहे हैं, पूरी मुल्क की बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है जितनी मौजूदा टाइम के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया कर रहा है? 370 का आर्टिकल के बाद आपने थोड़ी न्यूज़ अगर सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि डेवलपमेंट की इंतहा कर दी गई है सर। जम्मू एंड कश्मीर के स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, श्रीनगर के अंदर एक स्मार्ट सिटी बन रही है। उसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है कश्मीर के अंदर। सर अगर मैं बात करूँ ट्रेन को पूरे इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, क्या जितनी डेवलपमेंट इंडिया नरेंद्र मोदी की हुकूमत में करवा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर हो रही है पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट? सबसे पहले ये है कि जी जितने भी जो भी डेवलपमेंट होता है ना गैर ममालिक में, वो अपने इंटरेस्ट के बगैर नहीं करता। मैं समझना इंडिया जो है ना वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो वहाँ काम कर रहा है, और जितना वो अपना इंटरेस्ट वहाँ डेवलप कर रहा है, जितनी वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो कोई वेलफेयर नहीं कर रहा, ना उनके लिए कोई भला कर रहा है। एक्चुअली वो अपनी एक मलकियत को, यानी कि पोजेशंस को मजबूत कर रहा है, और उनको लोगों को जीतने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनको फैसिलिटेट करेगा। ये एक सियासी स्टंट है, वरना मैं नहीं समझता कि मोदी साहब जो है ना, अगर मोदी साहब ने अगर डेवलपमेंट या अकोमोडेट या फैसिलिटेट करना, तो इंडिया के अंदर इतने बड़ा मतलब मुल्क है, वो अपने मुल्क में अंदर डेवलपमेंट करें। जिस तरह से कश्मीर हमारे पास, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो हम कश्मीर हमारे पास है सर, दुनिया को दिखाने के लिए अगर हम करें, अगर दुनिया को दिखाने के लिए जिस तरह इंडिया कर रहा है, हमें भी तो करना चाहिए ना, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे पाकिस्तान के हालात देखें सर, किस तरह के जा रहे हैं। कश्मीर को मैं खुद विजिट करके आया हूँ सर, वहाँ पर जो विजिट करके उसके हालात मैंने देखे हैं ना सर, उसके बाद यकीन करें कि मेरा दुनिया से जिसे कहते हैं ना विश्वास ही उठ गया, वो वाला सीन हुआ। तो क्या कहेंगे आप इस
उसको। आप सही कहते हैं, आपने तो चूंकि ऐनी शाहद है, आपने आंखों देखा हाल जो होता है ना वो 100% ट्रू होता है। पहली बात यह है कि इंडिया जो है ना, इंडिया अगर ये सियासी प्रोपेगेंडा कुछ और चीज़ होती है, जो वहाँ अंदर के जो हालात हैं ना, अंदर के लोग तंग हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, अगर वो वाकई इतना अच्छा है तो वो जस्टिस करे, इंसाफ दे। जस्टिस किस चीज़ को कहते हैं और कैसे किए? जस्टिस उसको कहते हैं कि जो उनका हक है, पहली बात जो बुनियादी उनका हक है उनको हक दे, बेशक अपना पोजेशन अपने इख्तियार इस्तेमाल करें, अपने कब्जे में रखें, लेकिन उनको एक शख्सी आज़ादी होती है, एक बंदे को रहने के लिए उसका हक होता है, जॉब्स का, तालीम का उनको फैसिलिटेट किया जाता है, मेडिकल, वो याद है कि ना वहाँ हॉस्पिटल बनाए या कॉलेजेस बनाए या उन बच्चों को जॉब्स दे या उनकी उनकी डेवलपमेंट्स करें। सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप अगर रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, गूगल आपके पास होगा, मोबाइल होगा, आप गूगल निकाल कर देखें, दुनिया के टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज में से इंडिया का नाम आता, जम्मू कश्मीर का नाम आता। सर अगर आप पाकिस्तान के कश्मीर को रिसर्च करें, सर मैंने रिसर्च की है, मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है सर। सर मैं सिर्फ अगर पूरे जम्मू एंड कश्मीर की आप बात करेंगे तो वहाँ पर 14 से 15 यूनिवर्सिटी है सर, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी बता रहा हूँ आपको। हॉस्पिटल्स का अगर निज़ाम देखें, सेहत का निज़ाम अगर आप देखें, आप स्कूल्स का निज़ाम देखें, सर हमारी तरफ अनडेवलपमेंट है सारी। सर उधर वो अगर दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा तो कुछ ना कुछ तो कर तो रहा सर, हम क्यों नहीं कर रहे फिर? वो इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा, पाकिस्तान और कश्मीर, कश्मीर ने एक एजेंडा अख्तियार किया कि हमें आज़ाद किया जाए, पाकिस्तान उसका बिग सपोर्टर है, वो इस वजह से कि भी अक़वामे मुत्तहिदा बड़ी बड़ी ताकतों को जाके दिखाता है कि मैं तो मुत्तहिदा और जाके वहाँ कहता है कि देखे जी मैं तो वहाँ डेवलप कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये वेलफेयर कर रहा हूँ, मैं तो उनका फेथफुल हूँ, मैं तो उनका मतलब। कहीं ना कहीं आप दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, अगर डेवलपमेंट हो रही है, एक कश्मीरी क्या चाहेगा? मौजूदा जो सिनेरियो है पाकिस्तान के, यहाँ पर 160 रुपए केजी आटा, कश्मीर के अंदर भी यही सिनेरियो है, आटा नहीं मिल रहा। सर आवाम क्या चाहती है? एक मुल्क हमने लिया था तो फैसिलिटीज के लिए लिया था ना सर, कि आज़ादी, आज़ादी से सांस ले। यहाँ पर महंगाई इतनी हुई है, लोगों को ये नहीं पता कि आज की रोटी खा रहे हैं अगले टाइम की मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर 25 रुपए केजी आटा जम्मू एंड कश्मीर के लिए मिलेगा। सर मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान की, अगर इस टाइम हम कश्मीरियों को कहेंगे कि भाई आप इंडिया को छोड़कर हमारे पास आओ महंगाई में यहाँ पर दर पदर होने के लिए, यहाँ से आपको पता कितने पाकिस्तानी छोड़कर गए हैं? बिल्कुल 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी माइग्रेट कर गए हैं यहाँ, तो मौका ढूंढ रहे बाहर जाने के लिए। इस पूरे सवाल के मेरे जवाब आते हैं। देखिए जी ये हुकूमत की नलायकी है, अगर हुकूमत अपनी आवाम को प्रोटेक्शन नहीं देती, इनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं करती, इनके लिए कोई नई चीज़ें वो बनाती, इनको फैसिलिटेट नहीं करती, तो आवाम जो मतलब इस हद तक आ जाती है, उसने तो अपना कोई ना कोई पाकिस्तान से बाहर जाने का रास्ता इसलिए बनाते हैं कि वहाँ जाके वो पैसे मिलते हैं, वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं, तालीम है, फ्यूचर है और बहुत सी बातें हैं। ये जो हमारी हुकूमत जो है ना इस वक्त, इसने तो मुल्क को इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि इतना बड़ा कर्जा कि इस टाइम जो सिनेरियो है सर, यहाँ पर एक नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास मेरे और आपके जैसा बंदा गाड़ी नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ऑल्टो नहीं अफोर्ड सकता, पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं आपको कसम खा के ना, वो अच्छा नहीं लगेगा मेरा लफ्ज, मेरे पास खुदा की कसम मर्सिडीज गाड़ी है वहाँ खड़ी है, मेरे पास पेट्रोल डलवाने के मेरे उस पर डस्ट आ गई, लोग कहते यार 2 करोड़ की गाड़ी है तेरा सत्यानाश हो गया। मैं कह यार मैं आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर की पोजीशन क्या है, मेरे समझे कारोबारी क्लैप्स, सिलसिले क्लैप्स, हर चीज़ क्लैप्स, मैं बेचना चाहता हूँ, मेरे बेटे बेचने देते, कहते पापा हमें गिफ्ट कर दो, ये तुम्हारी निशानी है, रहने दो ना। मैं कह सत्यानाश हो रहा हूँ। पता है इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। देखो जी इंडिया ने मईशत बना लिया सर, इंडिया में सबसे जो तरक्की की जो वजह है ना, बेसिकली उनकी हुकूमत के जो लॉयल्टी है ना, जो वफादारी है अपने मुल्क के साथ, बस इतनी सी बात। देखो आज तक वो अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, अपनी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम तो हर चीज़ इंपोर्टेंट लेते हैं, हमारी तो अपने मसनूआत के वैल्यूज़ कोई नहीं, हम तो किक बैग्स पर डिपेंड कर गए हैं। मैंने देखा अगर जिसको जो चीज़ दे दें वो कहता कि जी तुम्हारा कानून ये कल से ये खैरात पर चल रहे हैं सर। 1947 से लेके अभी तक वाहद मुल्क ऐसा है कि जो सिर्फ बाहर के इमदाद के इंतज़ार करता है कि जो मुल्क इमदाद ना दे, अगर IMF इमदाद ना दे तो मुल्क हमारे वज़ीर आज़म साहब नाराज़ होने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई इमदाद नहीं आए दुआ करो। और जब बाहर से एक इतनी बेशर्मी की इंतहा है सर कि वाहिद मुल्क है जो बाहर से ऐड मिलने की सूरत पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। सर आप बताएं ज़रा, ये हम अपने हमसायों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? टर्की ने पाकिस्तान को इमदाद दी, सिंध वालों ने उसका लेबल उतार के अपनी पैकिंग करके टर्की को वापस दी, मैंने तो ये सुना है। अच्छा जब वो दी, उन्होंने जब खोला, उन्होंने कहा हमने तो ये पाकिस्तान को
ये तो इमदाद हमने पाकिस्तान को एड भेजी थी, ये इन्होंने हमें भेज दी वापस करके, थोड़ा सा हमारा करके खाना पूरी करके। तो बहुत मुश्किल हो गया सबके लिए। हाँ अच्छा, पहले तो था ना, मतलब जो लोअर किस्म के मिडिल होते थे ना उनके लिए ना मुश्किल होता था, लेकिन अब तो सबके लिए मुश्किल हो गया। खास तौर पर स्टूडेंट, हम मैं इधर हॉस्टलाइज तो वो भी एक्सपेंस और बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी हुकूमत का देखा जाए तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई मुल्क आवाम के बारे में नहीं सोच रहा। बाकी देखा जाए जो पहले जिस तरह अब हमारे हालात चल रहे हैं, इसी तरह श्रीलंका चले थे और दूसरे ममालिक चले हैं, लेकिन उन्होंने बेटर किया, तो अब हमें भी यही चाहिए कि कुछ स्टेप लेने चाहिए, कुछ डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, लेकिन अभी डेवलपमेंट कुछ चल नहीं रही है और ना कुछ नज़र आ रहा है डेवलपमेंट। आपको पता है श्रीनगर किधर है? नहीं मुझे आइडिया नहीं। श्रीनगर का नहीं आइडिया? कश्मीर का आइडिया? हाँ जी बिल्कुल है, कश्मीर जो हमारे पास उसका आइडिया है। हाँ जी बिल्कुल। कितने कश्मीर है? कश्मीर है कौन कौन सा? में तो ये आया आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये दोनों। जम्मू कश्मीर के बारे में, अच्छा आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। कौन सा कश्मीर ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कौन सा कश्मीर ज़्यादा डेवलप है? मेरे अंदाजे में तो जो आज़ाद है वही होगा, क्योंकि जम्मू में मतलब वो उनके खुद के हालात नहीं ठीक है, तो वो किस तरह लेके चल रहे होंगे मेरे अंदाजे में। आप बताएं कि आपने क्या सुना है जम्मू कश्मीर के बारे में, कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कैसा निज़ाम है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? जम्मू कश्मीर का यही सुना है कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया ने जो है ना उनकी जो फोर्सेज वगैरह हैं उन्होंने मतलब पूरा कब्जा वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए हालात कोई मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं बताऊँ आपको, हालात बहुत मुश्किल किए हुए हैं, आप तो दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि जितने को हालात वहाँ पर मुश्किल है पूरे पाकिस्तान के मुश्किल होने चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, इतने प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं इस टाइम, मैं आपको बताऊँगा आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हमें जो न्यूज़ में देखने को मिलता है उसमें इस तरह कोई सीन नहीं होता, वैसे शायद होता होगा, लेकिन जुल्म कौन सा ज्यादा है? एक तरफ आटा 160 रुपए का मिल रहा है, दूसरी तरफ 25 रुपए का केजी मिल रहा है, बताएं किसे? 160 वाला पाकिस्तान में उधर अगर ये सीन है तो फिर अच्छा है, लेकिन सुनने में आता है न्यूज़ में देखा जाता है कि उधर ये जा रहा है वो जा रहा है, तो वो उस लिहाज से मैं कह रहा था अब आइडिया नहीं है, शायद उधर बेटर हो इधर से। आपको लगता है कि जो न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं कि जिस तरह के होने चाहिए? देखा जाए ना, मतलब अब हम लाहौर में रहते हैं, हालात देखे जाए इधर के जो होते हैं, और फिर घर से जब कॉलेज कॉल आती है कि न्यूज़ पे इस तरह दिखा रहे हैं, इस तरह दिखा रहे हैं, फिर पता चलता है कि न्यूज़ वाले जो है ना वो फेक है सारे, और वो अपनी तरह से सिर्फ और अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी उनका सीन होता है उसके लिए वो अपनी तरह से बातें बनाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, मगर ना न्यूज़ वाले अब सारा फेक ही है। वीडियो पर जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि पुल, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, चनाब ब्रिज बनाया, आपने सुना ही होगा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, वो भी जम्मू कश्मीर में बना है, और 4 लेन रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके अलावा जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रहा है, श्रीनगर तो बन ही रहा है स्मार्ट सिटी, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कश्मीर में आ रहे हैं, बड़ा मॉल बन रहा है श्रीनगर में, मॉल ऑफ श्रीनगर बन रहा है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं श्रीनगर में, और इसके उल्ट पाकिस्तान में हालात बहुत बदतर हैं, पाकिस्तान लोग भूख से मर रहे हैं और इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? पाकिस्तानी लोगों को अब पता चल जाएगा, चल भी जा रहा है अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तान के लोगों को भी, पहले वहाँ बताया जाता था कश्मीर में काफ़ी जुल्म हो रहा है, लोग काफ़ी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू भी कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, और आने वाले समय में और भी तरक्की होगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, कश्मीर इंडिया का पार्ट है और रहेगा, और पीए के भी इंडिया जल्द वापस लेगा। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।